तो आप सब लोग जानते हैं, इस वक्त पूरी दुनिया जानती है कि लास्ट एक साल से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं करनाह के लिए टनल होनी चाहिए। हमारा जो वादी करना है उसको वैली के साथ जोड़ने के लिए वाहिद एक ही हल, एक ही जरिया, एक ही रास्ता है, वो है हमारे लिए साधना टनल, नथिंग एल्स। और हमें कुछ नहीं चाहिए। हम सरकार से पिछले साल 5 जनवरी से हमारे 10 लोग वहाँ शहीद हुए। आज आप सब लोगों ने देखा, पूरी दुनिया इस वक्त मीडिया पे देख रही है कि रात को अचानक हमारे 3 नौजवान बच्चे जो वहाँ पर और शहीद हो चुके हैं, और हमारी इस वक्त जो है वहाँ मरने वालों की अमवात 150 से ऊपर हो चुकी है। और हम एक साल से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे लिए एक साधना टनल बनाई जाए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टस से मस्तक नहीं हो रही है। हम लोगों ने कितने प्रोटेस्ट की, डिमांड्स की, हमारे लोग दिल्ली तक पहुंचे, दिल्ली के ऐवानों तक पहुंचे, हमारी आवाज़ पहुंची, हमारे पेपर्स पहुंचे, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं डिजिटल इंडिया, मैं कहता हूँ वो डिजिटल इंडिया कहाँ है? हमारे लिए अगर 6 किलोमीटर की टनल हिंदुस्तान नहीं बना सकता है तो डिजिटल इंडिया इंडिया बनेगा? हम इसको बिल्कुल नहीं मानते। हम ये चाहते हैं कि आने वाला इलेक्शन है आगे, और हम लोग इसको प्रायोरिटी बेस पे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये कहना चाहते हैं कि हमें ये 6.5 किलोमीटर की टनल जो है हमारे लिए बनाई जाए और करनाह को बचाया जाए। अगर करनाह आप लोगों को अपने साथ रखना है तो हमारे लिए 6.5 किलोमीटर की टनल बनाई जाएगी। अगर आपको इतना नहीं हो सकता है तो हमें छोड़ दीजिए, हमें वहाँ से छोड़ दीजिए, हमें बंद करके मत रखिए, हमें कैद में मत रखिए। हमें भी जीने का हक है, हम जीना चाहते हैं, हमें जीने दीजिए और हमारे लिए टनल बनाइए, नहीं तो हम लोग आने वाले इलेक्शन में बाइकॉट करेंगे। टंगधार कंस्टिट्यूएंसी में बिल्कुल इलेक्शन नहीं होने देंगे। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड पुश द बेल आइकन टू गेट वीडियो नोटिफिकेशंस ऑन योर स्मार्टफोन।